हेलो गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज का ये पार्ट 22 वीडियो है और आज हम इस वीडियो में पेज लेआउट के ऑप्शन देखेंगे। होम और इंसर्ट के हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और आज हम इस वीडियो में पेज लेआउट के ऑप्शन देखेंगे। तो पेज लेआउट, जब हम अपना वर्कशीट या कोई डेटा एंट्री करते हैं या वर्क करते हैं, तो अगर उसको प्रिंट आउट करना हो तो प्रिंट आउट करने से पहले हमें पेज को सेट करना पड़ता है और वो चीज़ हम पेज लेआउट से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं पेज लेआउट में थीम। तो थीम से ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो FGH ऊपर कॉलम नेम लिखे हुए हैं, इन पर आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर स्टाइलिंग जो इसकी है वो चेंज हो रही है। थीम, ये देखिए, आप जो भी थीम लगाएंगे उसके हिसाब से रॉ और कॉलम के जो फॉन्ट टेक्स्ट होंगे वो उसी रिकॉर्ड उसकी मतलब उसी हिसाब से शो होंगे। तो ये थीम कुछ का कुछ खास रोल नहीं है। थीम बस ये प्रिंट आउट के लिए नहीं होती है, देखने के लिए, मतलब जिस तरह से यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है उसका इंटरफेस बदलने के लिए हम थीम का इस्तेमाल करते हैं। कलर से भी कलर चेंज होते हैं, हालांकि कलर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। फॉन्ट में अगर आप फॉन्ट बदलते हैं तो देखिए फॉन्ट बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, जो वर्कशीट पे हम अपना वर्क करते हैं उसके फॉन्ट चेंज हो रहे हैं। और इसी तरह से इफेक्ट, हालांकि ये कुछ खास काम करते नहीं है इफेक्ट। तो ये थीम से रिलेटेड ऑप्शन कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इनको स्किप कर सकते हैं। बाकी आगे के जो ऑप्शन हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इनको हम अच्छी तरीके से भी एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन। तो मार्जिन के बारे में पता होगा कि मार्जिन क्या होती है, और उससे पहले भी हमें एक चीज़ जाननी होगी कि जो वर्कशीट है ये तो काफ़ी बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी है, तो इसमें पेज, हमारा पेज जो है वो कितना बड़ा है। तो ये पता करने के लिए हमें एक बार इसको प्रिंट प्रीव्यू करना पड़ेगा। तो उससे होगा ये कि अभी देखिए वर्कशीट पे कोई लाइनिंग नहीं आ रही है, और जैसे ही हम प्रिंट में जाके इसको प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू सिंपल करने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए लाइन अपीयर हो गई। ये तो ये लाइन बता रही है कि आपका ये वर्कशीट में इतना ये फर्स्ट पेज है और इतना ये सेकंड पेज है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि वर्कशीट पे पेज कैसे पता करेंगे कि कौन पेज का जो एरिया है वो कितना है। अगर आप इधर कुछ लिखते हैं तो वो दूसरे पेज में प्रिंट होगा, और इधर कुछ लिखते हैं तो वो पहले पेज में प्रिंट होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं मार्जिन की। तो मार्जिन के बारे में पता होगा, कस्टम मार्जिन में जाकर के हम यहाँ से टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट जिस साइड में जितनी मार्जिन छोड़ना चाहें वो छोड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ नीचे ऑप्शन तो दिए गए हैं, सेंटर ऑन पेज। तो क्या होता है कि अब जो हमने यहाँ पे टाइपिंग की है ये पूरा फुल पेज तो नहीं फुला है, केवल इतने में ही लिखा है। तो हो सकता है कि हम चाहते हो कि ये पेज के टॉप में प्रिंट हो या सेंटर में प्रिंट हो, तो उसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटर पेज। टॉप में तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, अगर इसको हम हॉरिजेंटली सेंटर करते हैं तो ये सेंटर हॉरिजेंटली हो गया, और वर्टिकली करते हैं तो ये देखिए वर्टिकली सेंटर हो गया, यानी जो भी मैटर है वो सेंटर से प्रिंट आउट होना शुरू होगा अगर हम यहाँ दोनों पे क्लिक कर देते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसको ओके करते ही आपका जो मैटर है, इसको मैं दोनों टिक करके प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सेंटर में, पेज के सेंटर में प्रिंट होगा। तो मार्जिन में यहाँ पर ऑप्शन मार्जिन समझ में आ गया होगा। ओरिएंटेशन पता है, प्रोट्रेट से प्रोट्रेट यानी खड़ा पेज सीधा प्रिंट होगा, लैंडस्केप कर देंगे तो ये बेड़ा पेज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रोट्रेट लगाता हूँ तो आई तक, यानी आई वाले कॉलम तक प्रिंट कर रहा है, और जैसे ही यहाँ से चेंज करते हैं लैंडस्केप तो ये कॉलम बढ़ा ले रहा है, क्योंकि पता है कि लैंडस्केप पेज जो होता है वो चौड़ा होता है इस तरह से। लेकिन यहाँ तो बढ़ तो गया है लेकिन नीचे कम पड़ गया, नीचे देखिए 34 तक ही ले रहा है, और अगर इसका ओरिएंटेशन प्रोटेक्ट कर दें तो ये कॉलम कम ले रहा है बट रो ज़्यादा ले रहा है। देखिए 47 तक ले रहा है, अभी 34 तक ले रहा था। तो ये भी ओरिएंटेशन भी समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और है कि हमारे में आई तक लाइन आ रही है, मतलब आई कॉलम के बाद में आ रही है, अब में हो सकता है कि जे के बाद आ रही हो या एच के बाद ही आ रही हो। तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम मार्जिन पर डिपेंड करता है और पेपर साइज पे डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ से कस्टम मार्जिन में जाके पेज सेट कर दें, A4 साइज का पेज सेट कर दें और मार्जिन में 0 कर दें चारों तरफ की, या काफ़ी ज़्यादा कर दें, 2-2 इंच कर दें चारों तरफ की मार्जिन, तो इससे होगा ये कि जो एरिया है वो कम ज़्यादा हो सकता है। अभी तो फिलहाल आई है, अगर मार्जिन में ज़्यादा छोड़ देता हूँ तो
ये यहाँ पर एच पर भी आ सकता है मार्जिन ज़्यादा छोड़ने पे, और अगर मार्जिन बिल्कुल जीरो कर देंगे तो हो सकता है कि ये जे वाला कॉलम भी कवर कर ले एक ही पेज में। तो ये डिपेंड करता है मार्जिन और पेज के साइज पे। उसके बाद साइज, तो हम यहाँ से पेपर का साइज सेट कर सकते हैं, A3 A4 लीगल लेटर कौन सा लगाना है, तो फिलहाल तो नॉर्मली A4 रहता है तो A4 लगा लिया हमने। उसके बाद है प्रिंट एरिया, तो होता ये है कि एक ही पेज पे इतना तो हमें पता चल गया है कि अगर प्रिंट आउट करें तो ये फर्स्ट पेज पे प्रिंट होगा, ये सेकेंड पेज पे प्रिंट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम और लिख दें थोड़ा सा, यहाँ पे मैं कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा पता अंदाज़ा लग जाए। तो यहाँ पर हमने ये ऊपर इतना मेटर टाइप है और नीचे ये इतना मेटर टाइप है, तो अगर हम इस पेज को पहले वाले पेज को प्रिंट करते हैं तो ये इतना एरिया पूरा प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट पेज पे, यानी ये भी और ये भी। ये तो अलग ही नहीं प्रिंट होगा क्योंकि हम पहला ही पेज प्रिंट करेंगे, लेकिन ये दोनों मैटर प्रिंट हो जाएंगे। हम चाहते हैं इसके सिर्फ इतना ही प्रिंट आउट हो और ये वाला प्रिंट आउट ना हो। तो सिंपली हमें करना यह है कि जितना हमें प्रिंट करना है उस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से प्रिंट एरिया सेट कर देंगे। प्रिंट एरिया सेट करने के लिए सिंपली आपको प्रिंट एरिया में जाना है और यहाँ से सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना, और उससे पहले हमें सेलेक्शन करना है जितनी जगह में प्रिंट एरिया सेट करनी है, सेट प्रिंट एरिया। तो इससे क्या होगा कि अब इस पे प्रिंट एरिया जो है वो लग चुकी है। तो अब अगर आप प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट आउट करते हैं तो देखेंगे कि उतना ही प्रिंट आउट होगा और बाकी का जो है वो प्रिंट नहीं होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि प्रिंट एरिया का इस्तेमाल कब करते हैं। अगर एरिया बढ़ानी है तो आपको सिंपली इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ प्रिंट एरिया में जाके इसको क्लियर प्रिंट एरिया कर देना है, और फिर उसके बाद बढ़ा सकते हैं। अगर इतना प्रिंट करना चाहते हैं एक पेज में तो सेलेक्ट कर लीजिए और सेट प्रिंट एरिया, तो इस पर प्रिंट एरिया जो है वो सेट हो चुकी है। बट अब इतना एक पेज में तो प्रिंट नहीं हो सकता, इसलिए दो पेजों में प्रिंट होगा, इतना एक पेज में और ये वाला दूसरे पेज में। बाकी इसके प्रिंट एरिया के बाहर जो भी लिखा होगा वो कहीं भी किसी भी पेज पे लिखा हो वो प्रिंट नहीं होगा। अगर हम इसको एक बार फिर से प्रिंट प्रीव करें तो आप देखेंगे ये फर्स्ट पेज और ये वो वाला सेकंड पेज, बस इसके अलावा और कोई पेजेस यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। प्रिंट एरिया हटाने के लिए प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया, सारी प्रिंट एरिया जो है वो हट गई। ये लाइनें तो पेज के पार्टीशन को दर्शा रही हैं। उसके बाद है ब्रेक, तो ब्रेक से पेज को ब्रेक किया जाता है। ब्रेक करने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि यहाँ से जहाँ पे हमने क्लिक कर रखा है ये फर्स्ट पेज हो और इधर का सेकंड पेज हो, थर्ड पेज हो, मतलब यहाँ से पेज को तोड़ देना है। ऑटोमेटिक पेज यहाँ से है बट हम यहाँ से रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से सिंपली इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज वहीं से टूट जाएगा। तो ये यहाँ पे क्लिक किया तो ये पेज टूट गया, अब ये छोटा पेज बचा है 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह से। तो आई थिंक ब्रेक समझ में आ गया होगा, ब्रेक से पेज को तोड़ना होता है। अगर रिमूव करना है तो रिमूव पेज ब्रेक क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, बट अभी नहीं, इसलिए हो रहा है क्योंकि जहाँ से तोड़ा गया था पेज वहीं से रिमूव होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से तोड़ा गया था, और उसके बाद रिमूव पेज ब्रेक, तो वो पेज ब्रेक हट जाएगा। वापस से लगाना है, फिर से इंसर्ट और रिसेट कर देंगे तो सारे पेज ब्रेक जो है वो हट जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक ही बार तोड़ सकते हैं पेज, फिर से यहाँ से तोड़ना चाहते हैं यहाँ से भी तोड़ सकते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 पेज हो गए। रिमूव करना है या सारे पेज ब्रेक हटाने हैं तो रिसेट कर दीजिए, सारे पेज ब्रेक हट जाएंगे। तो ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। इसमें एक चीज़ और है, जैसे अभी हमने बताया कि ये फर्स्ट पेज है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, तो क्या इसी सीक्वेंस में प्रिंट होता है कि ये पहले पेज पे प्रिंट आउट होगा, ये दूसरे पेज पे, ये तीसरे पेज पे? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ये चीज़ पहले पेज पे चाहते हों और ये चीज़ दूसरे पेज पे चाहते हों, और ये तीसरे पेज पर और ये चौथे पेज पर। तो अगर इस तरह से चाहते हैं तो हमें जो पेज का ऑर्डर है वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से पेज का ऑर्डर लगा हुआ है। मतलब इस तरह से लगा है, ऐसे, मतलब इस तरह से लगा हुआ है, या फिर इस तरह से लगा है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो उसका उसको देखने के लिए यहाँ पे प्रिंट टाइटल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं पेज ऑर्डर में। तो पेज ऑर्डर में ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब ये वाला पहला पेज होगा और ये वाला दूसरा पेज होगा, और अगर इसके नीचे भी कुछ लिख रखा है तीसरे पेज में तो वो तीसरा होगा, और ये पूरी लाइन समाप्त होने के बाद में ही यहाँ से स्टार्टिंग होगी।
ये एरो दर्शा रहा है इस तरह से नीचे और फिर ये ऐसे। और अगर इसका ऑर्डर बदल दें, अगर इस तरह से ये पहला और ये दूसरा चाहते हैं तो इसका ऑर्डर इस तरह से रखेंगे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इसको ओके करते ही वो सेटिंग हो जाएगी। अभी ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। अगर इसको हम प्रिंट प्रीव्यू करके देखें तो देखिए ये फर्स्ट पेज पे प्रिंट होगा, नेक्स्ट ये सेकंड पेज पे, नेक्स्ट ये थर्ड पेज पे, जो नंबर लिखे हैं वो थर्ड पेज पे आ रहा है। ये वाला थर्ड पेज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर यहाँ पर कुछ लिखा होता तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये वाला फोर्थ नंबर का पेज कहलाता। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पेजेस कैसे पहचानेंगे, कौन सा मैटर किस पेज पे प्रिंट होगा। ब्रेक हो गया, उसके बाद बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में सिंपली इसको मैं पहले हटा देता हूँ, रिसेट। तो बैकग्राउंड से हम बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे क्लिक किया, बैकग्राउंड में कोई भी फोटो वगैरह सेट कर सकते हैं इस तरह से। देखिए फोटो सेट है और इस पर हम जो भी मतलब टाइप जिस कॉलम में जो काम करना चाहें कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। और सेट करने के लिए जब भी सेट करना हो सेट हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सी छोटी सी चीज़ है। प्रिंट में यहाँ पर देखिए पेज लेआउट में या जितने भी ऑप्शन हैं, अगर ये पेज सेटअप खुल जाता है तो वो सारे के सारे यहीं से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं। पेज में यहाँ पर ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट लैंडस्केप और पेपर का साइज सेट कर सकते हैं। और ये स्केलिंग होती है। स्केलिंग क्या होती है, हम यहाँ से भी देख लें या फिर यहाँ से देख लें, एक ही बात है। स्केलिंग हम अभी यहीं से देखेंगे, थोड़ी देर रुक के आगे जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर स्केलिंग ऑप्शन देखेंगे और ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मार्जिन में, मार्जिन के बारे में भी आपको पता होगा, हेडर एंड फुटर के बारे में भी पता होगा। और ये हेडर फुटर हो गया। ये सीट, तो सीट में ये पेज का ऑर्डर सेट करना। और एक चीज़ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रिंट करनी है। तो प्रिंट में गाइडलाइन, गाइडलाइन मतलब ये जो आपकी रॉ और कॉलम की लाइनें दिख रही हैं, नॉर्मली क्या होता है ये प्रिंट आउट में नहीं आती। अगर चाहिए आपको तो सिंपली इस पर टिक कर दीजिए, तो ये भी गाइडलाइन भी प्रिंट होंगी। ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होगा। ड्राफ्ट क्वालिटी कर देंगे तो ड्राफ्ट में प्रिंट होगा। ड्राफ्ट एक क्वालिटी होती है प्रिंट आउट करने की, यानी नॉर्मल ज़्यादा क्लियर नहीं प्रिंट होता है इसमें। और रॉ एंड कॉलम हेडिंग पे क्लिक कर देंगे तो ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच और मतलब कॉलम और रॉ ये दोनों प्रिंट होंगे, यानी ए बी सी डी भी प्रिंट होंगी, 1 2 3 भी आपके प्रिंट होंगे। और गाइडलाइन पे टिक करने से गाइडलाइन भी प्रिंट होंगी। तो अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो दोनों को टिक कीजिए, वरना टिक को हटा सकते हैं। और ये पेज ऑर्डर तो हमने बता ही दिया है, इसको फाइनल ओके करेंगे तो ये आपका पूरा पेज सेट हो जाएगा। तो ये प्रिंट टाइटल से हम मतलब यहीं पर पहुंच जाते हैं सीट में। उसके बाद स्केलिंग की बात करते हैं। तो स्केलिंग में क्या होता है कि अभी देखिए ये आई तक प्रिंट हो रहा है, इसके लिए हम नया डेटा लेते हैं सीट वन पे। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारा डेटा है और हम चाहते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर से डेट तक ये सारा एक पेज में प्रिंट हो। एक पेज में मीन्स कि डेटा तो ये नीचे तक तो काफ़ी बड़ा है, वो कितने भी पेज ले, बट ये कॉलम जो है वो सारे के सारे एक पेज में आने चाहिए। तो इसको प्रिंट प्रीव्यू करके चेक करते हैं, देखते हैं कोई छूट तो नहीं रहा। तो लास्ट वाला कॉलम डेट का है, तो इसको मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ तक ही प्रिंट हो रहा है, डेट वाला कॉलम इसमें नहीं आ रहा। मतलब डेट ऑफ बर्थ यानी एफ वाले कॉलम तक ही प्रिंट हो रहा है। ये वाला मतलब ये जो है ये सेकंड पेज पे चला जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा एक पेज पे प्रिंट हो। तो अब या तो हम इसका फॉन्ट साइज छोटा करें तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम स्केलिंग कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो स्केलिंग में यहाँ पर हम परसेंटेज को जैसे जैसे कम करते हैं, स्केलिंग में परसेंटेज को जैसे जैसे कम करते हैं वो उस तरह से पेज को बढ़ाने लगता है। देखिए अब अगर हम 65% पे इसको प्रिंट करते हैं तो एक ही पेज में ये सारे कॉलम प्रिंट हो जाएंगे। पेज आप कोई भी रखें उससे नहीं मतलब है, A4 रखें, मार्जिन जितनी मर्जी उतनी छोड़ें। तो स्केलिंग का मतलब होता है वो ऑटोमेटिक छोटा या बड़ा कर देता है। अब इसको प्रिंट प्रीव्यू करके चेक करते हैं। तो देखिए डेट तक मतलब फॉन्ट साइज ऑटोमेटिक उसने छोटा कर दिया, तो यहाँ पर अब डेट तक प्रिंट होगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि स्केलिंग क्या होती है। अगर इसको हम वापस से 100% कर देंगे तो ये नॉर्मली प्रिंट होगा, जिस फॉन्ट में यहाँ पे टाइप है उसी फॉन्ट में। अब वापस से डेट ऑफ बर्थ पे आ गया। उसके बाद है विद और हाइट। तो विद और हाइट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि
जो अब मैटर जितना भी है 1, 2, 3 और 4, 5, मतलब लगभग 5-6 पेज हैं, तो क्या आप इनको ऑटोमेटिक यानी 5-6 पेज में ही प्रिंट करना चाहते हैं या कुछ कम ज़्यादा? हम चाहते हैं कि 2 पेजेस, यानी कि इस साइड को विड्थ को जितना भी मैटर है वो 2 पेज में प्रिंट हो, और हाइट में भी जितना मैटर है वो 2 पेज में ही प्रिंट हो, मतलब 4 पेजों में हम सारा का सारा प्रिंट करना चाहते हैं। तो सिंपली हम विड्थ और हाइट में 2-2 पेज सेट कर देंगे, और इसको प्रिंट प्रीव्यू अगर आप चेक करते हैं तो 4 पेजेस में सारा का सारा प्रिंट होगा। तो डिस्ट्रिक्ट तो किस में आ रहा है, फर्स्ट पेज में, और इसको नेक्स्ट करेंगे तो अगले पेज में ये चीज़ें आ रही हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे तो अगले पेज में ये जो उधर का छोटा था कॉलम वो और ये आ रहा है, और फिर ये फाइनली आ रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक प्रिंट होगा। स्केलिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। गाइडलाइन में व्यू पे क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन दिखाई देंगी, टिक हटा देंगे तो गाइडलाइन भी नहीं दिखाई देंगी। अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट पे टिक कर, अगर व्यू प्रिंट दोनों पे क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन दिखाई भी देंगी और प्रिंट भी होंगी। ठीक इसी तरह से हेडिंग, हेडिंग में अगर व्यू पे टिक हटा देते हैं तो ABCD कॉलम रो हट जाएंगे, और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट आउट भी होंगे वरना नहीं होंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। ये इन फ्रंट और बिहाइंड ग्रुप और रोटेट करना है, इसके बारे में आपको पता होगा। जब इंसर्ट में हम कोई भी शेप वगैरह बनाते हैं और फिर इनको इन फ्रंट और बिहाइंड जब करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आगे पीछे करने की ज़रूरत पड़े, तो हम यहाँ से इनको इन फ्रंट एंड बिहाइंड कर सकते हैं, सेंट टू बैक वगैरह, अलाइन से सेंटर वगैरह कर सकते हैं, और रोटेट यानी कि इसको किसी भी डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम MS वर्ड में देख चुके हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर पेज लेआउट जो है वो आई थिंक क्लियर हो गया है। पेज लेआउट में कोई ऑप्शन नहीं छूटा है, सारे ऑप्शन एक एक करके हमने क्लियर कर लिए हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मूले में जो भी ऑप्शन इधर के हैं ये सारे कवर करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।